नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर बच्चों के साथ में चर्चाएं की थी। कुछ ही दिनों में परीक्षा शुरू भी होने वाली है। 4 मई से CBSE बोर्ड की परीक्षाएं, और इसको देखते हुए उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की और छात्रों को राय दी। जो सोशल मीडिया पर बहुत लोग उसकी उस राय की आलोचना भी कर रहे हैं, और आलोचना करनी भी चाहिए। मैं छात्रों को यह बताना चाहूंगा कि परीक्षा में कैसे दी जाती है। परीक्षा मैं जब भी आपका प्रश्न पत्र आए उसको आप पूरी तौर पर पढ़िए, 10 मिनट उस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ के पढ़िए, और उन प्रश्नों को छाटिए जो तुमको याद है। एक एक नंबर के भी प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के भी होते हैं, और बड़े प्रश्न 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के भी होते हैं। तो उन प्रश्नों को छाटिए कि हमें बड़े प्रश्नों में कौन सा उत्तर, किस प्रश्न का उत्तर मुझको आता है और किस प्रश्न का उत्तर मुझको नहीं आता। फिर जो उससे छोटे वाले प्रश्न होते हैं, 4-5 नंबर वाले, उनमें छाटिए कि हमें कौन सा प्रश्न इसमें याद है और कौन सा प्रश्न का उत्तर मुझको याद नहीं है। एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं उन्हें आप सबसे पहले कीजिए, जो सबसे छोटे प्रश्न होते हैं उनको आप जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं। उसके बाद आप जो प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मालूम है, उन प्रश्नों के, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे मध्यम हों, उन प्रश्नों को आप बिल्कुल लास्ट वाले पेज में करेंगे जाके, जब आप याद किए हुए सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे चुके होंगे, तब जो याद नहीं है, जो अधकचले याद हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप बाद में देंगे। परीक्षाएं इस तरह से दी जाती हैं, ना कि परीक्षाएं बड़े प्रश्नों को, कठिन प्रश्नों को पहले हल करने की, इसके बजाय आप छोटे प्रश्नों को हल कीजिए। मैं अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहूँगा, और तो उनका समर्थन भी नहीं करना चाहूँगा। समर्थन इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो एक शिक्षक नहीं है, वो एक राजनेता है। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री को परीक्षा पर चर्चा करनी ही नहीं चाहिए थी, और करनी है तो पूरी स्टडी के साथ में बच्चों के सामने आना चाहिए था, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक्टिव ज़्यादा हैं, एडवांस ज़्यादा हैं, यानी कि जो कुछ हम नहीं जानते हैं, जो हमको ज्ञान नहीं है, वो बच्चों को ज्ञान वो होता है। तो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको उनको बनाए रखना चाहिए। कई बार हमने देखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कुछ हो, अभी जितने भी बयान आए थे, तो ये इन लोगों को अपने किस पद पे हम बैठे हैं और ये पद का हमारा जो इस पद का जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं होता। क्योंकि एक जो प्रधानमंत्री जो कहता है वो पूरा देश उस चीज को फॉलो करता है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हम इनके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते, इनके भविष्य के साथ में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक प्रधानमंत्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो अपने पद की गरिमा को बनाए नहीं रखता है तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है, उसकी आलोचना होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा, इसमें उसको बुरा अगर लगता है, कोई, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो,
मैं शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ और मैं अपने शिक्षक पद की गरिमा को नहीं समझता हूँ, अच्छे तरीके से उसे फॉलो नहीं करता हूँ, तो मेरे ऊपर भी उंगली उठती है, सबके ऊपर उठेगी। तो उसमें किसी की गलती नहीं है, हमें अपने पद के साथ में ईमानदारी के साथ में रहना चाहिए, उसकी गरिमा को ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार।